हेलो नमस्कार स्टूडेंट, मैं अभिषेक भार्गव भार्गव क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है अप्रैल के करंट अफेयर पार्ट वन। इसके अंदर में पार्ट वन के अंदर में हमने तकरीबन 20 क्वेश्चन लिए हैं, क्योंकि अप्रैल का जो करंट अफेयर वो आने वाले आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे जो भी आने वाला एग्जाम है आपका, उसके अंदर में अप्रैल माह का जो करंट अफेयर है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसके अंदर में कौन कौन से प्रश्न है। ठीक है, उससे पहले भैया एक बात कि अगर अभी तक आप लोगों ने जो हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो नीचे लाल कलर का बटन है इसे दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर लें। उसके सामने जो बेल का आइकन है इसको भी प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ में। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके अंदर में पहला प्रश्न क्या है। देखिए अप्रैल करंट माह का पहला जो प्रश्न है वो है, किस देश के अंतर महाद्वीप बैलिस्टिक मिसाइल सरमत का सफल परीक्षण किया गया है। देखिए आपको ये जो नाम है ना सरमत, ये आपको याद रखना है। ठीक है, बैलिस्टिक मिसाइल है तो इसका सही आंसर है रूस। ठीक है, कौन सा देश है वो, तो रूस है। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी देख लीजिए। 30 मार्च 2018 को रूस ने नवीनतम इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ICBM RS-28 सरमत का दूसरी बार सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा कि दूसरी बार किसका किया, तो सरमत। ठीक है, यह परीक्षण पूर्वोत्तर प्लेस्टस परीक्षण स्थल से किया गया है। ठीक है, इसका पहला परीक्षण दिसंबर 2017 में हुआ था। तो आपको पहला भी याद रखना है और दूसरा भी याद रखना है। ठीक है, दूसरा कब हुआ, मार्च को, और पहला कब हुआ, दिसंबर 2017 को। यह मिसाइल मेकेयेव रॉकेट डिजाइन ब्यूरो द्वारा डिजाइन की गई है। यह सोवियत युग में डिजाइन किए गए वायोवेडा की जगह लेगी, जिसे पश्चिमी देश में SS-18 सतान कहा जाता है। इसका वजन 200 मैट्रिक टन है। तो ये कुछ कुछ बिंदु है जो ये मिसाइल जो है बैलिस्टिक मिसाइल सरमत इसका इसके बारे में दिया गया है। ठीक है, तो ये भी आप देख लीजिएगा। उसका दूसरा प्रश्न है कि क्रूज मिसाइल बाबर किस देश से संबंधित है। तो जो क्रूज मिसाइल बाबर है वो किससे संबंधित है, वो पाकिस्तान से संबंधित है। आपको ये क्वेश्चन का आंसर थोड़ा सा ध्यान करके रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, बाबर क्रूज मिसाइल या HFT-7 कहा जाता है इसको। ठीक है, पाकिस्तान की ओर से शामिल किए जाने वाली पहली भूमि हमला क्रूज मिसाइल है। तो ये थोड़ी सी इसके बारे में जानकारी। किस स्थान में रॉन्ग साइड से चलने वाले वाहनों को रोकने के लिए सड़क पर टायर किलर्स लगाए गए। आपने अभी न्यूज में बहुत दिन से देखा होगा कि टायर किलर्स जो इस प्रकार के कुछ है। ठीक है, इस प्रकार के, देखिए मैं आप बता देता हूँ यहाँ पे, ये इस प्रकार के कुछ नुकीला सा लगा हुआ है टायर वो रोड पर। ठीक है, तो टायर किलर्स इनको नाम दिया गया। तो ये कौन से स्थान पर किया गया है ऐसा। ठीक है, तो ये किया गया है पुणे में। कहाँ किया गया है, पुणे में। ठीक है, रॉन्ग साइड से आने वाले वाहनों के लिए ऐसा टायर किलर्स, यानी टायर जो आपके वाहन का टायर होगा वो इससे फट जाएगा। ठीक है, सड़क पर लगाए गए टायर किलर्स की खासियत यह है कि यह सही दिशा से आने वाले वाहनों के लिए एक स्पीड ब्रेकर के रूप में काम करेगा, और इस स्पीड ब्रेकर को टायर किलर्स नाम दिया गया है, जो अपने नाम के अनुरूप ही है। पुणे के अमानोरा पार्क टाउन इलाके में लगाए गए इन टायर किलर्स से ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव की बात कही जा रही है। तो इस प्रकार कुछ टायर किलर्स लगाए गए हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है कहां, तो पुणे में। आयरन लेडी निम्न में से किस इमारत को दिया गया उपनाम है, उपनाम पूछा जा रहा है। ठीक है, आयरन लेडी, तो यह है एफिल टावर। याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, अभी ये हाल फिलहाल में बहुत ज्यादा इसका जिक्र हुआ है। ठीक है, तो एफिल टावर। राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है 30 मार्च को। भारतीय डिप्लोमेट्स और वरिष्ठ अधिकारियों के लिए किस रंग का पासपोर्ट बनाया जाता है, तो ये बनाया जाता है मैरून रंग का। कौन से रंग का, मैरून रंग का, भारतीय डिप्लोमेट्स और वरिष्ठ अधिकारियों के लिए। मैं आपको रंग के बारे में बता देता हूँ। नीला जो होता है वो आम नागरिक के नागरिकता का प्रमाण पत्र कहलाता है, यानी आम नागरिकों के लिए कौन सा पासपोर्ट बनाया जाता है। आपके पास में भी अगर पासपोर्ट होगा तो आप उसका कलर देख लीजिएगा, आप आम नागरिक हैं तो आपका नीला कलर का क्या होगा, पासपोर्ट होगा। सफेद जो होता है, जो सफेद कलर होता है वो होता है सरकारी काम काज से विदेश जाने वाले लोगों के लिए। जो सरकारी काम से विदेश जाते हैं उनके लिए कौन सा पासपोर्ट बनाया जाता है, सफेद रंग का। और मैरून किसके लिए होता है, तो भारतीय डिप्लोमेट्स और वरिष्ठ अधिकारियों के लिए। तो इनमें से कोई सा भी प्रश्न अगर पूछा जाए कहीं पे भी तो आप यहां से बना सकते हैं इसको थोड़ा सा पढ़कर। ठीक है, तो ये हो गया 6 प्रश्न। सातवें प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाल ही में कौन राष्ट्रमंडल खेलों में बतौर अधिकारी उतरने वाली प्रथम महिला भारतीय महिला बनी है, क्या बनकर, तो बतौर अधिकारी बनकर पूछा जा रहा है। ठीक है, तो बतौर अधिकारी स्नेहल बेंडके। ठीक है, स्नेहल बेंडके, तो आपको ये याद रखना है। और राष्ट्रमंडल खेलों का जो वीडियो मैंने डाला है वो अच्छे से देख लीजिएगा। इसके बाद भी मैं और एक वीडियो उसके अंदर में बनाने वाला हूँ। ठीक है, तो उसके अंदर और सारे प्रश्न जो बच गए हैं वो भी ले लेंगे। ठीक, 8वां प्रश्न है कि किस IIT ने हाल ही में विदेश वित्तीय सहायता के साथ छात्रों को इंटर्नशिप प्रदान करने की घोषणा की है। कौन से IIT ने ये घोषणा की है, तो ये क्या है, IIT खड़गपुर ने। ठीक है, कौन से IIT ने वित्तीय सहायता के साथ छात्रों को इंटर्नशिप प्रदान करने की घोषणा की है, तो ये किया है
आईआईटी खड़गपुर ने, और इनको कितने स्कॉलर इंटर्नशिप के लिए वो मिलेगा सहायता राशि, तो ये मिलेगा $3,000, तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है। मिस्र का नया राष्ट्रपति हाल ही में कैसे चुना गया, तो देखिए हाल ही में चुना गया इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो हाल ही में चुना गया है अब्दुल फतह अल सीसी को, किसको चुना गया है, अब्दुल फतह अल सीसी को, ठीक है। उसके बाद में 10वें प्रश्न की तरफ आइए, देश के सबसे बड़े एलिवेटेड रोड का उद्घाटन हाल ही में किस राज्य में किया गया। अभी आपने बहुत सुना होगा इस एलिवेटेड रोड के बारे में, ठीक है, तो इसका उद्घाटन हाल ही में किस राज्य में किया गया, तो ये किया गया उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आपको नाम याद होगा योगी आदित्यनाथ ने गाजियाबाद में 10.30 किलोमीटर के देश के सबसे लंबे 6 लेन, ये लेन है ठीक है, लेन वाले एलिवेटेड रोड का उद्घाटन किया। इसकी लागत जो है वो है 1147 करोड़, ठीक है। तो इससे बहुत समय बचता है जो रोड पर जाएंगे उससे, ठीक है, एलिवेटेड रोड पर, ठीक। उद्घाटन आपको मालूम होना चाहिए योगी आदित्यनाथ, और कहां, तो उत्तर प्रदेश, सबसे लंबे एलिवेटेड रोड का उद्घाटन, ठीक है। 11वां प्रश्न है कि इसरो ने हाल ही में सेना को मोबाइल कम्युनिकेशन, देखिए थोड़ा गलत दिखा गया, मोबाइल कम्युनिकेशन है, सेवा देने के लिए कौन सा सैटेलाइट लॉन्च किया है, ठीक है। तो ये सैटेलाइट जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मोबाइल सेवा के लिए, किसको, तो सेना के लिए, ठीक है। तो ये है GSAT-6A, क्या है, GSAT-6A, इसका नाम आपको याद रखना है, मोस्ट आईएमपी प्रश्न है, ठीक है। ये हो गया 11 प्रश्न। 12वां प्रश्न की तरफ आइए, 65वें राष्ट्रीय पुरस्कारों की केंद्रीय समिति का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया, तो 65वें जो राष्ट्रीय पुरस्कार होंगे उसके केंद्रीय समिति का मुख्य या प्रमुख किसे नियुक्त किया गया, तो यह नियुक्त किया गया शेखर कपूर को, ठीक है। शेखर कपूर के बारे में आप जानते होंगे, इनकी बहुत सारी फिल्म आप लोगों ने देखी भी होगी, ठीक है। 13वां प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र के राजनीतिक मामलों के प्रमुख का पदभार संभालने वाली पहली महिला कौन है, संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन उसकी पहली जो प्रमुख का पदभार संभालने वाली पहली महिला कौन है राजनीतिक मामलों की, ठीक है, तो उनका नाम है रोज मेरी दिरकलो, ठीक है। तो ये नाम जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये एग्जाम में आने लायक प्रश्न है। 14वां प्रश्न है कि किस देश ने घोषणा की है कि वह भारत भारत है, ठीक है, भारत के साथ ब्रह्मपुत्र और सतलज नदियों को लेकर सूचनाओं की साझेदारी करेगा, ठीक है, ब्रह्मपुत्र और सतलज नदियों की सूचनाओं का साझेदारी करेगा, किस देश ने यह घोषणा की है, तो यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो यह है चीन ने, ठीक है। चीन ने कहा है कि वह मानवीय चिंता और भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों के विकास के मद्देनजर ब्रह्मपुत्र और सतलज नदियों को लेकर सूचनाओं की साझेदारी बहाल करेगा, तो ये भी मोस्ट आईएमपी प्रश्न है, इसको भी देख के जाएगा, ठीक है। उसके बाद में 15वां प्रश्न है कि किस राज्य ने बाबा साहब अंबेडकर का नाम बदलकर भीमराव रामजी अंबेडकर कर दिया गया है, ठीक है, भीमराव रामजी अंबेडकर कर दिया गया, तो ये क्या है, उत्तर प्रदेश की सरकार ने, ठीक है। तो ये एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है, और 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती भी था, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। 16वां प्रश्न है कि नासा ने अप्रैल 2018 में नए ग्रह की खोज के लिए किस सैटेलाइट को लॉन्च करने की घोषणा की है, तो ये सैटेलाइट है टेस, ठीक है, TESS, टेस। टेस का मतलब है ट्रांसिस्टिंग एक्सप्लोनेट सर्वे सैटेलाइट, ठीक है। तो आपको ये नाम भी याद रखना है क्योंकि एग्जाम के मद्देनजर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। 17वां प्रश्न है कि उत्तर कोरिया के तानाशाह, इनका नाम तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन, क्या नाम है उनका, उत्तर कोरिया के जो तानाशाह है आपने बहुत बार देखा होगा न्यूज में दिखाता रहता है कि ये बहुत बड़े तानाशाह है, तो इनका नाम याद रखिएगा, किम जोंग उन ने हाल ही में किस देश का दौरा किया, इन्होंने पहली बार किसी देश का दौरा किया है, और इस देश के बाद ये अमेरिका भी जाने वाले हैं, तो ये है चीन का दौरा किया अभी हाल ही में, इसके बाद ये अमेरिका का दौरा भी करेंगे, ठीक है। 18वां प्रश्न है कि ऑस्ट्रेलियाई व्यक्ति ने व्हील चेयर के सहारे एवरेस्ट के आधार शिविर तक पहुंचने में सफलता हासिल की है। देखिए एवरेस्ट का जो आधार जो शिविर है वो तकरीबन 5,443 मीटर इतना कुछ है, ठीक है, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि एवरेस्ट के जो आधार शिविर तक पहुंचने में सफलता पाई है वो व्हील चेयर पर बैठ के, उनका नीचे का जो हिस्सा वो काम नहीं करता, वो व्हील चेयर पर बैठ कर वहां तक पहुंचे हैं, तो उनका नाम आपको याद रखना है स्कॉट डुलान, ठीक है, क्या नाम है उनका, स्कॉट डुलान, ये भी मोस्ट आईएमपी प्रश्न है। किस देश की संसद में एंटी फेक न्यूज विधेयक प्रस्तुत किया गया, तो एंटी, देखिए संसद में क्या किया गया है, एंटी फेक न्यूज, जो फेक न्यूज होते हैं ना उसके लिए ये विधेयक प्रस्तुत किया गया, तो ये किया गया मलेशिया में, ठीक है, ये जरूरत भारत को भी है। बॉल टेम्परिंग मामले में क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी पर बैन लगाया गया, तो आपने ये मामला तो बहुत दिन से सुने होंगे आप लोग, अगर क्रिकेट में इंटरेस्ट होंगे या न्यूज देखते होंगे तो ये वाला जो मामला है ये बहुत दिनों से न्यूज में चला था, ठीक है, कि क्रिकेट में बॉल टेम्परिंग के लिए अभी ऑस्ट्रेलिया के किन खिलाड़ियों पर बैन लगाया गया, तो
स्टीव स्मिथ, डेविड वार्नर, कैमरून बैनक्राफ्ट, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी। इन दोनों के ऊपर में एक एक साल का बैन लगाया गया है, एक एक साल तक ये क्रिकेट नहीं खेल सकते, और अभी आईपीएल जो चल रहा है उनमें से भी इनको बाहर कर दिया गया है, स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर को। और कैमरून बैनक्राफ्ट के ऊपर 9 माह का क्या लगाया गया है, बैन लगाया गया है। तो उपरोक्त सभी, तो ये तीनों नाम आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो ये अप्रैल माह का जो प्रथम जो पार्ट था ये हमने आज 20 प्रश्न कर लिए हैं। इसके बाद इसका दूसरा पार्ट आएगा, फिर तीसरा, फिर चौथा, चार पार्ट में हम इसके जो क्वेश्चन है उनको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो अभी तक अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं थोड़ा अभी बिजी चल रहा हूँ जिसके कारण मैं बहुत सारे एग्जामों की जो सीजी में होने वाले हैं तो उनके बारे में मैं बता नहीं पा रहा हूँ, उनके लिए वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। ठीक है, तो ये करंट अफेयर का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, जब तक इसको आपको करना है। ठीक, तो जैसे ही मुझे समय मिलेगा तो मैं धीरे धीरे करके बहुत सारे वीडियोस अपलोड करूंगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, जय भारत।